नमस्कार और आप देख रहे हैं पलटल। सीएम के मनोहर बोल सुनकर जनता हुई गदगद। हाल के में भाजपा की ऐतिहासिक प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन से भ्रांति फैलाने वाले विपक्षी दल इस समय सकते में हैं। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। वीरवार को टोहाना में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के रोड शो कार्यक्रम में उमड़े जन सैलाब से सीएम गदगद नजर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुली गाड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, लोकसभा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल, प्रदेश सचिव जवाहर सैनी, जिला अध्यक्ष वेद फूला सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ अपना रोड शो शुरू किया। जैसे जैसे रोड शो का काफिला आगे बढ़ा, वैसे वैसे रास्ते में अनेक स्थानों पर युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं सहित अन्य सामाजिक संगठनों ने लोगों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। अलग अलग स्थानों पर सामाजिक संगठनों और संस्थाओं के पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह देकर के सीएम का स्वागत किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों को आड़े हाथों लिया है, ऐसे लोगों की जगह सलाखों के पीछे है। वहीं भाजपा सरकार न्याय के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि पारदर्शी भर्ती के चलते हुए और उसी प्रतिक्रिया के चलते हुए युवाओं में शासन व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ा है। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। विपक्ष का ये काम है, इसीलिए उसका नाम विपक्ष है। विपक्ष का ये काम होता है कि सत्ताधारी लोगों की कोई कमियां निकालना, उनके खिलाफ आरोप लगाना, उनकी आलोचना करना। उस आलोचना में यदि कोई दम होगा तो जनता विश्वास करेगी, अगर दम नहीं होगा तो उनको उल्टा पड़ेगा वो। आखिर हमने भी 2014 में उनके खिलाफ आरोप लगाए थे, आलोचना की थी, जनता को सही लगा, जनता हमको ले आई। इसलिए आज उनकी आलोचना में, उनके आरोपों में, उनके किसी प्रकार के हमारे खिलाफ जो बातें करते हैं, प्रचार करते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। और किसी में दम हो तो हम कहते हैं सबूत लेके आओ, किसी एजेंसी को दो, किसी को भी फेस करने के लिए हम तैयार हैं। महेंद्र हुड्डा ने कहा था कि मैं हर जांच को फेस करने के लिए तैयार हूं। हमने एक जांच शुरू कराई, उसमें बौखला गए और आखिर में क्या कहते हैं, क्या बदले की भावना से काम कर रहे हैं। यहां से आपने शुरू की थी और एकता का परिचय दिया था, लेकिन यहां दो तीन कार्यक्रम थे, क्या कांग्रेस आपसी गुटबाजी को आप मान रहे हैं कि ये क्या नहीं, कौन सी गुटबाजी, तो सब संदक है, सबको पता है, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और उनकी बस यात्रा का जो ड्रामा था वो भी हमारे सामने, सबके सामने आया है। कभी वो सारे इकट्ठे मिलकर के चले नहीं, कभी वो एक साथ मिलकर के कभी बोले नहीं, एक दूसरे की प्रशंसा उन्होंने की नहीं। इसलिए ये नेता आपस में एकजुट तब माने जाएंगे जब एक दूसरे के बारे में अच्छा भाव रखेंगे। वो सब एक दूसरे की आलोचना करते हैं, एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। इसलिए कांग्रेस के अंदर इस प्रकार की एकता, मैं चाहता हूँ आए एकता, लेकिन नहीं आएगी क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है। नहीं करेंगे। हरियाणा के अंदर पहली बार विपक्षी पार्टियों में गठबंधन को लेकर वोट मची है, पहली बार। आप किस तरीके से, मैंने बताया, मैंने सभा में अपने भाषण में बताया कि गठबंधन वही करते हैं जिनकी जमीन खिसक जाती है। उनकी जमीन खिसकी हुई है, वो चाहते हैं किसी तरीके से अगले 5 साल में हमारा अस्तित्व बचा रहे। अब उनके सामने तो अस्तित्व का भी संकट है, इसलिए अस्तित्व के संकट को बचाए रखने के लिए नई पुरानी सब पार्टियां विपक्ष की वो गठबंधन की तलाश ढूंढ रही हैं। इसलिए कोई गठबंधन करें या न करें, उसका कोई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। महागठबंधन को नरेंद्र मोदी जी ने महामिलावट कहा है कि ये महामिलावट है, क्योंकि कोई विचारधारा मिलती नहीं, कोई उनका प्रोग्राम मिलता नहीं। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, तो भानुमति का कुनबा कभी सफल होता है नहीं।